देखो डिफरेंट लेवल्स है, पहला तो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम। जो एनवायरनमेंट है, जो एक पर्सन एनिमल या प्लांट का जो भी सराउंडिंग होता है, वो चाहे बायोटिक हो या बायोटिक उसको कहते हैं, ये जो सराउंडिंग होता है ये उस ऑर्गेनिज्म को इम्पैक्ट करता है उसके सर्वाइवल, डेवलपमेंट और इवोल्यूशन। बायोटिक है, अबायोटिक है, बायोटिक है जो जिंदा है, फिर अबायोटिक है जो, जैसे टेम्परेचर, सॉइल, जो भी इंटरेक्शन होता है उसको का साइंटिफिक स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। ये साइंस ऑफ रिलेशनशिप है। अरिस्टोटल जो था वो फादर था, अलेक्जेंडर बॉर्न हम्बोल्ट जो है उनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। इंडिया में रामदेव मिश्रा ने किया, जो कि इस्टेब्लिश किया नेशनल कमिटी ऑफ फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में, और मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है। फिर ऑर्गेनिज्म जो वो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर फॉर्म है, जो कि जिसमें लाइफ है एज एन इंडिविजुअल। यूरी थर्मल वो जो वाइड रेंज हैंडल कर सकते हैं, स्टेनो मतलब कि कम, उसी तरह यूरी हेलिन बहुत वाइड सैलिनिटी, स्टेनो हेलिन कम सैलिनिटी, जो क्लोज 335 होता है। एडेप्टेशन वो जो भी चेंजेस जो कि मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एस्पेक्ट है, जो कि उसको हेल्प करता है रिप्रोड्यूस और सर्वाइव करने में। तो एलन रूल वही है कि जो ठंड में रहता है उसका ना कान और नाक छोटा होता है, लेकिन जो गर्म में रहता है उसका कान और नाक बड़ा होता है। इंटरनल जो है उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, अपने आपके अंदर के बॉडी, और एक्सटर्नल जैसे फिजिकल माइग्रेशन और सस्पेंड होता है। होम्योस्टेसिस हुआ कि आप कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट जो है रेगुलेट करते हैं, उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम लाते हैं, तो उसके अनुसार रेगुलेटर या पार्शियल रेगुलेटर है। और एक एडेप्टेशन जो है वो हो सकता है जैसे फर, फेदर, स्केल्स, फिर कलर हो सकता है, पैटर्न या मैच सराउंडिंग बॉडी पार्ट हो सकता है, ब्रेक एंटलर्स, ईयर्स, क्लॉज, डिफेंस हो सकता है, वेनॉम, स्प्रेस, क्विल्स। फिजिकल एडेप्टेशन हो जैसे था जैसे कंगारू, रैट हो गया, वैक्सी लीव्स हो गया, जो कि वैक्सी क्यूटिकल होता है अपर और लोअर में। फिर कैम मैकेनिज्म है, इसमें जो वैक्सी रिपल होता है वो वाटर लॉस को बचाता है। जो सेलुलोज सेल वाल है जो बैरियर करता है वाटर लॉस, जो कैम मैकेनिज्म है इसमें मतलब कि वो दिन में नहीं खोलता स्टोमेटा को, रात में खोलता है ताकि कम हो, पर ओपन एट नाइट CO2 कलेक्ट करने के लिए। सकलेंट है कि लीव्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू नीडल, द स्टेम इज फ्लैसी, और उसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू हो जाता है। माइग्रेशन वो जो टेम्पररी मूवमेंट होता है हार्स कंडीशन को ये करने के लिए, जैसे साइबेरियन क्रेन हो गया। फिर हाइबरनेशन हो गया, जो कि एनिमल शेल्टर में चले जाते हैं या इनएक्टिव एंड डोरमेंट स्टेट में, लेकिन वो जिंदा है। फिर एस्टिवेशन है जो वो इंसेक्ट्स में होता है, डियास्पॉज, इंसेक्ट फॉर्म ऑफ हाइबरनेशन, डियापॉज हो गया, एस्टिवेशन हो गया। एस्टिवेशन जो है वो गर्म एरिया में, हाइबरनेशन है ठंडा, और डियास्पॉज जो वो इंसेक्ट का हाइबरनेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डियापॉज हो गया, सस्पेंड ठंडा में हाइबरनेशन, गर्म में एस्टिवेशन। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म हो जो कि सिमिलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा हो, सिमिलर रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रहे हो, इंटरब्रीड कर रहे हो। पॉपुलेशन ग्रोथ 3 तरह का, ये तो एक्सपेंडिंग ऐसा, फिर सस्टेबल वैसा, और डिक्लाइनिंग वैसा। देखो ये अलग अलग इंटरेक्शन नहीं है, वो तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। प्रेडेशन में पॉजिटिव होता है एक के लिए, दूसरे के लिए नेगेटिव। कंपटीशन में दोनों के लिए नेगेटिव होता है। पैरासाइटिव में एक के लिए पॉजिटिव और दूसरे के लिए नेगेटिव। कॉमेंसलिज्म में एक के लिए पॉजिटिव और दूसरे के लिए जीरो। एमेंसलिज्म में एक के लिए नेगेटिव और दूसरे के लिए जीरो। और म्यूचुअलिज्म के लिए दोनों पॉजिटिव। ये जो है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाती है या प्रे करती है, प्रेडेट। तो कंपटीशन हुआ जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स है और म्यूचुअल यूज़ है, तो एक दूसरे को ये लोग म्यूचुअली एडवर्सली इफेक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होगा फूड के लिए या लिविंग स्पेस के लिए। तो पैरासाइट्स होते हैं जिनको हॉस्ट चाहिए होता है जिंदगी जीने के लिए, जैसे फ्लीज हो गया, मॉस्किटो हो गया। मतलब मॉस्किटो को प्लस हुआ फिर बाकी को माइनस हुआ पैरासाइट। एक तो होता है एक्टो पैरासाइट और बाकी होता है एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट हो गया अंदर का, जैसे टिक, फ्ली, लीचेस। एंडो पैरासाइट हो गया इनसाइड, जैसे कि लीवर, फ्लूक, टेप वॉर्म, मलेरिया पैरासाइट। एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता, ये प्लस और जीरो का है पूरा। जैसे रेमोरा हो गया और सार्क हो गया, उसी तरह गाय एंड बर्ड्स हो गया। एमेंसलिज्म वो जैसे ब्लैक वालनट, जिसको कोई फायदा नहीं होता लेकिन बाकी को नुकसान हो जाता है, ये ऐसा केमिकल निकालता है जिससे बाकी टॉक्सिसिटी हो जाता है सॉइल में, जुगलॉन करके वो बाकी जो है वो मर जाता है प्लांट्स। जैसे दूसरा होगा एल्गल ब्लूम का एग्जांपल, म्यूचुअलिज्म जैसे बर्ड और ये फ्लावर और बटरफ्लाई का होगा या बी का होगा। म्यूचुअलिज्म हो गया, कोरल हो गया, और जो सेंथल का हो गया। सिम्बायोसिस एंड विच पॉपुलेशन इंटरेक्ट, जिसमें दोनों स्पीसीज को फायदा होता है। कम्युनिटी जो होता है वो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन जो इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि मशरूम, बर्ड्स, ये पूरा मिला के, फिश, एल्गे, लेक में हो गया, मशरूम, बर्ड ट्री, फॉरेस्ट में हो गया,
इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम। ये फर्स्टली ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट ए जी टास्लेन ने दिया था 1935। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो एक दूसरे और एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। जनरल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एट्रीब्यूट है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एनवायरमेंट का, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इसमें भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। पहला वो प्रोड्यूसर जो अपना खुद बना लेता है खाना, एनर्जी, क्लोरोफिल, न्यूट्रिएंट और वाटर मिला के। कंज्यूमर वह जैसे हर्बीवोर हो गया, कार्निवोर हो गया, ओमनिवोर्स हो गया। फिर डिकम्पोजर्स हो गया जैसे बैक्टीरिया और फंगी है, और जो डेड प्लांट एनिमल को इनऑर्गेनिक मटेरियल बनाते। फिर अबायोटिक हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर्स से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे वाटर, रॉक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। टाइप ऑफ इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल का होगा ओसन, ग्रास लैंड, ये सब एग्जाम्पल। मैन मेड इकोसिस्टम पैडी फील्ड, एग्रीकल्चर लैंड। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन मेन फैक्टर है डिटरमाइन करना इकोसिस्टम को। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों कम, वहाँ डेजर्ट होगा, वार्म डेजर्ट। वो टेम्परेचर हाई है लेकिन थोड़ा पानी हो रहा है तो वहाँ ट्रॉपिक ग्रास लैंड। उससे ज़्यादा बारिश, फिर सवाना, फिर उससे ज़्यादा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठंडा है लेकिन पानी नहीं है तो वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट। ठंडा है लेकिन थोड़ा बारिश हो रहा है, वहाँ पे पेरीज। उससे ज़्यादा फिर टेम्परेचर डिसीडियस फॉरेस्ट, फिर और ठंडा तो बोरियल फॉरेस्ट, फिर और ठंडा तो टुंड्रा, फिर और ठंडा तो पोलर। टर्म्स जो है इकोटोन हो गया, एज इफेक्ट हो गया, एज स्पेसिस हो गया, नीच, कीस्टोन स्पेसिस, फ्लैग स्पेस। जो ट्रांजिशन होता है इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में उसको इकोटोन कहते हैं। इसमें हायर प्रोडक्टिविटी एरिया होता है और हायर बायोडाइवर्सिटी भी होता है। जो इकोटोन वाले एरिया में होता है उसको एज इफेक्ट के कारण एज स्पीसीज वहाँ मिलता है, वो सिर्फ उसी एरिया में मिलता है उसको कहते हैं। जैसे कि बर्ड्स हो गया। इकोलॉजिकल रोल नीचे हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म का रोल है अपने एनवायरनमेंट में करना, जैसे कि हैबिटेट, एक्टिविटी, रिसोर्सेस। हैबिटेट प्लस रोल इज कॉल्ड टू इकोलॉजिकल नीचे, मतलब फंडामेंटल नीचे हुआ जो जहाँ पे रह सकता है, रियलाइज नीचे जहाँ पे एक्चुअली रीच है। फंडामेंटल नीचे में कंडीशन है लेकिन वहाँ रहता नहीं। जर्नलिस्ट जो है जो उसका बहुत ब्रॉड नीचे होता है, बहुत सारे खाना खाता है, मेनी टाइप एनवायरमेंट, जैसे कि माइस। लेकिन स्पेशलिस्ट हो गया जिनका नीचे बहुत नैरो होता है और नैरो रेंज ऑफ फूड आइटम हैबिटेट्स, जैसे कि पांडा बियर। हैबिटेट है जहाँ पे चीज़ें हैं जैसे मीटिंग साइट्स, फूड वाटर, नेस्टिंग साइट्स, शेल्टर, प्रेडेटर अवॉइडेंस। कंपटीशन हो गया जब दो स्पेसिस एक ही रिसोर्स के लिए लड़ते हैं, जैसे लायन और हाइना जो कम्पीट करते हैं। नो टू ऑर्गेनिज्म जो है एग्जैक्टली सेम नीचे ऑक्यूपाई कर सकता है। यहाँ पे गॉस लॉ आ गया जॉर्ज गॉस का, उन्होंने कहा कि दो स्पेसिस जो है सेम लिमिटिंग रिसोर्स में को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जो भी जिसके पास भी स्लाइटेस्ट एडवांटेज है वो डोमिनेट करेगा और इसके कारण दूसरे का इंस्टिंक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया येलो नीचे जो है येलो बर्ड्स, रेड बर्ड्स, ब्लू बर्ड्स, तो फंडामेंटल नीचे होल ट्री है लेकिन रियलाइज नीचे स्पेसिफिक है। कीस्टोन स्पेसिस जो है वो लिटिल प्लेयर या बिग प्लेयर होता है, ये तो बिगर प्लेयर जो होता है उसको कीस्टोन स्पेसिस कहते हैं, जिसका इंक्रीज या डिक्रीज बाकी कम्युनिटी के एनिमल्स पे भी असर करेगा। यूनिक कीस्टोन स्पेसिस जैसे मसल्स जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जो स्टारफिश है वो प्रेडेटर है मसल्स का, तो इसलिए वो बाकी स्पेसिस के लिए रूम बनाती है, इसलिए ये कीस्टोन स्पेसिस है। फ्लैग स्पेस जो होते हैं जो कि एम्बेसडर, आइकन या सिम्बॉल का रोल प्ले करती है। वैल्यूएबल भी कहा जाता है और इनको चैरिस्मेटिक भी कहा जाता है वेस्टर्न कल्चर। और ये कीस्टोन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और मे नॉट बी द गुड इंडिकेटर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इको टाइप एक पॉपुलेशन का जो अडेप्ट करता है लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन में, डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल वैरायटी होता है सेम स्पेसिस का। फिर स्पेसिसन होता है कि जब इवोल्यूशन होता है तो वन स्पेसिस बदल जाता है डिफरेंट स्पेसिस में। चेंजिंग एनवायरमेंटल जियोग्राफिकल दे कैन नॉट इंटरब्रीड, मतलब एक दूसरे से ब्रीड नहीं कर सकते, ये स्पेसिएशन हो गया। इसमें दोनों आंसर सही है, कीस्टोस्पॉन्फेसिस। देखो जो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके करता है उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे ऑटोट्रॉप्स जो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वह जो बायोमास ऑर्गेनिक पर यूनिट एरिया पर टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर गॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो ऑटोट्रॉप्स का होता है। फिर नेट प्राइमरी होता है जो मतलब रेस्पिरेटरी लॉस के बाद होता है। फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर ऑफ कंज्यूमर्स होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन को कहते हैं। तो सीक्वेंस क्या है, तो पहले तो मार्सेस, एस्ट्रेडिस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम टेम्परेट फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, फिर कॉरल, फिर लेक्स, फिर ओसन।
डेट्रिवोर्स का मतलब कि उसको डिकम्पोज किया जाता है, उसका जो प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन, फिलीचिंग, कैटाबोलिजन, ह्यूमिफिकेशन, मैनलाइजेशन। पहले फ्रेगमेंटेशन थोड़ा ब्रेक कर जाएगा, फिलीच पहले उसमें जो भी वैसा चीज़ है वो नीचे वाटर ये चीज़ नीचे चला जाता है। कैटाबोलिज्म मतलब इंसेक्ट जो है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स को मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल किया जाता है। ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज होता है। ये डार्क कलर का एमोफस सॉलिड होता है जो कि हाईली रेजिस्टेंट है माइक्रोवेल एक्टिविटीज़ में। फिर एक्सट्रीमली लो डिकम्पोजिशन होता है, ये रिजर्वर है न्यूट्रिएंट। और फिर लास्टली मिनरलाइजेशन हो जाता है जो कि प्लांट ले सकते हैं। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी रेजिस्टेंट होता है तभी तो उसमें फर्टिलिटी रहे। बहुत ही ज़्यादा स्लो डिकम्पोजिशन होता है। एनर्जी फ्लो जो होता है वो जो वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर में कहते हैं उसको एनर्जी फ्लो कहते हैं। सन जो है उसका प्राइमरी सोर्स है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो है वो सम ऑफ एनर्जी है जो कि प्लांट्स के द्वारा वो बाय फोटोसिंथेसिस कैप्चर हो जाता है। 50% जो है एनर्जी वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कैप्चर किया जा सकता है, बट प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10%। तो फ्लो ऑफ एनर्जी है यूनि डायरेक्शनल। चार लेवल होता है, एक तो प्रोड्यूसर, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर तीसरा टर्शियरी, फिर क्वार्टनरी कंज्यूमर। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मतलब जितना टोटल अमाउंट कैप्चर किया जा सकता है। फूड चेन जो है वो सीक्वेंस है, ईट एंड बींग ईट एंड, फ्लो ऑफ एनर्जी। पहले सन होता है, फिर प्रोड्यूसर होता है, फिर फर्स्ट लेवल कंज्यूमर इट्स प्रोड्यूसर, फिर सेकेंड लेवल फिर डिकम्पोजर है जो रिसाइकल करता है। लेकिन हमारे यहाँ फूड वेव रहता है ना कि फूड चेन। ये दिखाता है कि एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और ओवरलैपिंग फूड चेन हो सकता है। टेरिटरीज में बैक्टीरिया फंगी से शुरू होता है और रेजिंग में प्लांट से शुरू होता है। देखो टेरेस्ट्रियल में डेट्रिशियस फूड चेन डोमिनेट करता है। ओशन में ग्रेजिंग फूड चेन डोमिनेट और टेरिटोरियल में डेट्रियस। मतलब एक एक लेवल से दूसरे लेवल पे सिर्फ 10% ट्रांसफर होता है, तो 90% जो लॉस्ट एट ईच लेवल। इकोलॉजिकल पिरामिड दिखाता है कि किस लेवल पे कितना ट्रांसफर होता है एनर्जी या मैटर। एनर्जी ऑफ मैटर पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड बायोमास पिरामिड उल्टा या सीधा हो सकता है, लेकिन एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा हो सकता है। प्रोड्यूस ये वाला जो है हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा, कभी हमेशा प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगा। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम और इको सिस्टम में हो सकता है, मतलब कि वो डिक्रीज करता है लोअर लेवल से लेकर हायर ट्रॉपिक लेवल तक, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम में। पिरामिड ऑफ नंबर जो वो ट्री इकोसिस्टम में उल्टा मिलता है, भार कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है पिरामिड ऑफ बायोमास। ग्राम मीटर पर स्क्वायर मार के सबका वेट करके करो, मतलब कि स्टैंडिंग क्रॉप मतलब कि मास ऑफ अ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। पिरामिड ऑफ बायोमास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सीधा बन, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये उल्टा होता है, वो उल्टा होगा इसमें। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है, लेकिन इसका लिमिटेशन होगा कि एक ही स्पेसिस दो से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे हो सकता है। ये जो है ना सिर्फ सिंपल फूड चेन मानता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड वेव है उसको नहीं कंसिडर करता, और साथ में सेप्रोफाइट जैसे प्लांट फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको नहीं कंसिडर करता, जो कि डीके करने में और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का। पॉल्यूटेंट्स जो है वो एंटर करता है फूड चेन में और कंसनट्रेशन इंक्रीज करता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में। वो पानी से लेके एयर तक में हो सकता है बायो एक्यूमुलेशन, लेकिन बायो कंसनट्रेशन जो है वो एक्वेटिक में होता है, मतलब एक से दूसरे लेवल पे जब जाता है तो वो इंक्रीज करता रहता है। ये बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं उसको, जैसे छोटी मछली फिर बड़ी मछली फिर आदमी। उसके लिए कंडीशन है कि वो लॉन्ग लिव होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, सॉल्यूबल इन फैट्स होना चाहिए, बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, जैसे कि DDT। इफ अ पॉल्यूटेंट इज शॉर्ट लिव्ड है वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर मोबाइल हो गया तो एक जगह रहेगा ही नहीं टू बी टेकन अप बाय ऑर्गेनिज्म। और सॉल्यूबल इन वाटर का मतलब पानी के साथ निकल जाएगा, लेकिन फैट में रहने से वो दूर तक रहेगा। बायोटिक कॉम्बिनेशन वो डायनेमिक है, वो चेंज होते रहता है, तो जिस तरह से वो रिप्लेस या चेंज होता है उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ये डायरेक्शनल चेंज है वेजिटेशन का ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। ये सीरीज ऑफ कम्युनिटीज रिप्लेस वन अनदर ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, जैसे पहला जो हुआ वो उसको पायनियर कहते हैं कम्युनिटी, और उसका जो फाइनल स्टेज होगा उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। बहुत सारे जो स्टेजेस होते हैं उसको कहते हैं सीरियल कम्युनिटी। इसमें इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी, शिफ्ट करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रिजर्वर, डाइवर्सिटी इंक्रीज होता है, इंक्रीज नेचर डेवलपमेंट, और ग्रेजुअल इंक्रीज होता है कॉम्प्लेक्सिटी फूड वेब का। मतलब ये फास्ट होता है मिडिल ऑफ द लार्जर कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यहाँ पे जो सीड्स है जो अलग अलग सीरीज के हैं वो जल्दी पहुँच जाता है, और इसलिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाता है।
टर्मिनल स्टेज इज कॉल्ड कामनेस कम्युनिटी, बहुत स्टेबल और मैच्योर, मोर कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग लास्टिंग होता है। इंटायर सिक्वेंस जो है उसको सीडी कहते हैं। तो ये पूरा है, पहले बेयर रॉक्स, फिर लिचन, फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स, फिर पैनल हर्ब्स, फिर ग्रासेस, सर्व्स, फिर सेड टॉलेंट ट्रीज। जेराक्स जो है वो बेयर रॉक्स में रहता है, लेकिन हाइड्रार्ट जो है वो पानी में रहता है। हदीस नदी से स्टार्ट होता है, लिचन, फिर मॉसेस, फिर हर्ब्स, फिर फॉन्स, फिर लार्ज सर्व्स, फिर लार्जर ट्रीज। हाइड्रार्ट जो है वही पानी से स्टार्ट होता है। फिर बायो जो सर्कुलर फैशन होता है उसको कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। एनर्जी जो है वो लास्ट हो जाता है, लेकिन न्यूट्रिएंट जो है वो रिसाइकिल हो जाता है और अगेन एंड अगेन यूज होता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो 97% मास है बॉडी का, वो पूरा जो सर्कुलर फैशन में मूव करते हैं, जैसे कार्बन न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल। तो दो टाइप का होता है, एक तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट। परफेक्ट में होता है कि जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंचे तब तक आगे वाले स्टेज से ऑलरेडी मटेरियल पहुंच चुका है, मतलब कि वो गैप नहीं होता, आगे गया मेटल उससे पहले दूसरा जो मेटल वहाँ होना चाहिए वहाँ पहुँच जाता है। और दूसरा होता है परफेक्ट साइकिल। जो परफेक्ट साइकिल है वो गैसेस साइकिल हो जिसका मतलब एटमॉस्फेयर में होता है और या फिर हाइड्रोस्फेयर में, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल होता है जिसका अर्थ क्रस्ट के कारण होता है, अर्थ क्रस्ट में होता है। और सेडिमेंट्री साइकिल रिलेटिवली इम्परफेक्ट माना जाता है। CO2 के बिना लाइफ नहीं हो सकता, ये बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस हमारी बॉडी में भी बहुत जरूरी है, कोल ऑयल के लिए जरूरी है। तो प्लांट्स जो है उसको यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन में, वो रिटर्न बैक होता है एटमॉस्फेयर में। CO2 प्लांट ने यूज़ किया, फिर प्लांट ने एनिमल ने खाया, फिर एनिमल के बाद इनऑर्गेनिक कार्बनल सेल, फिर पेट्रोलियम बन सकता है प्लांट से डायरेक्टली, फिर एनिमल से, फिर कोल, फिर कार्बोनेट्स इन वाटर, फिर लाइमस्टोन। देखो जो नाइट्रोजन है वो बहुत प्रिवेलेंट एलिमेंट है, वो अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, ये सब का पार्ट है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू प्लांट लेते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होता है सॉइल में, ये बहुत लिमिटेड न्यूट्रिएंट है सॉइल और एग्रीकल्चर में। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे, या फिर आदमी यूज़ करता है फर्टिलाइजर के थ्रू, और एटमोस्फेरिक फेनोमेना जैसे थंडर और लाइटनिंग के थ्रू भी। नाइट्रोजन से जो अमोनिया बनता है उसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। फ्री नाइट्रोजन लिविंग फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया, जैसे एरोबिक एजोबैक्टर एंड बीजीमिक, या और एनएरोबिक हो गया क्लॉस्ट्रिडियम एंड रोडोस्पिरुलियम। सिम्बायोटिक फिक्सिंग हो जाएगा राइजोबियम, जो कि लेगुमिनस है। फिर साइनोबैक्टीरिया हो गया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबिना और स्पिरुलिना। एंड टू जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, उसको अमोनिफिकेशन, ये अमोनिया से अमोनिफिकेशन, मतलब नाइट्रोजन टू अमोनिया, इस तीन तरीके से होता है। ऑक्सीजन के साथ वाला एजोबैक्टर बीजीमिक, और बिना ऑक्सीजन वाला क्लॉस्ट्रिडियम और रोडोस्पिरुलिस। राइजोबियम वो जो रूट्स में पाया जाता है। फिर नाइट्रिफिकेशन होता है जो करते हैं नाइट्रोसोमोनस या नाइट्रोसोकस, मतलब कि अमोनिया से नाइट्राइट्स नाइट्रिफिकेशन। फिर उसके बाद नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, इसमें नाइट्रोबैक्टर जैसे कि नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होता है वो। फिर डी नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया वो है सुडोमोनस एंड थैलोबैक्टीरियस, जो कि उसको डी नाइट्रिफाई करता है, जो कि नाइट्रोजन। ये फॉस्फोरस साइकिल है जो कि सेडिमेंट्री साइकिल है, इसमें ये एक्वेटिक सिस्टम और वाटर में मेन होता है इसका। अनलाइक कार्बन एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो है वो मोस्टली लार्ज अमाउंट ऑकर्स इन लार्ज अमाउंट एज मिनरल, कैसे तो फॉस्फेट रॉक्स जो कि इंटर करता है साइकिल फ्रॉम इरोजन और माइनिंग जब होता है उससे निकलता है। और मेन काउज ऑफ जब यूट्रोफिकेशन का मेन काउज माना जाता है इसको, जो फॉस्फोरस जो है अर्थ क्रस्ट उसका मेन सोर्स। जो वेदरिंग हो जाता है उसको बाद वो निकलते निकलते ओशन पहुँच जाता है और कॉन्टिनेंटल सेल्स में एक्यूमुलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल डिपॉजिट। जब ये लाखों साल बाद वो जो प्लेट है वो ऊपर आता है सी फ्लोर के बाद और तो एक्सपोज करता है, तो उसके बाद फिर वेदरिंग होगा एंड फिर से जो केमिकल फेज बिगिन होगा फॉस्फोरस साइकिल का, कैसे उसका इरोजन होता है, फिर जाता है, लीच करता है, फिर एब्जॉर्ब। ग्रासलैंड नहीं करते क्योंकि लिमिटेड सनलाइट एंड पॉजिटिव वाटर लिमिट्स। तो बायोम जो है जहाँ पे विद सिमिलर क्लाइमेट प्लांट एनिमल और वेल एडेप्टेड होते हैं इन दैट एरिया, मतलब कि उस जगह के प्लांट एनिमल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम जो उसे बायोम में पाया जाता है, बायोम जो है वो फ्लोरा फौना और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है। बायोम वाटर में नहीं हो सकता, मतलब टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन उसमें उतना डिफरेंस नहीं होता, इसलिए टेम्परेचर सिर्फ इसलिए लैंड में होता है। इसका छह ठो है एक तो टुंड्रा, फिर टाइगर, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। देखो एक तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में डिफरेंस है कि वाटर जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है टेरेस्ट्रियल में, और टेम्परेचर दूसरा है कि टेम्परेचर जो फ्लक्चुएट करता है। तो एक्वेटिक सिस्टम में इकोसिस्टम में सिमिलर क्लाइमेट है, लेकिन टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा फ्लक्चुएसन है, और लाइट भी टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा है
तो फोर्टिक अफोर्टिक जोन इस पे बेसिस पे डिवाइड. सी तो गैसेस जो है ज़्यादा अवेलेबल है टेरेस्ट्रियल में, जैसे कि CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो सबस्ट्रेट की तो रोल पे करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन. टुंड्रा जो है वो दो तरह का, एक तो आर्कटिक और दूसरा अल्पाइन. आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल टुंड्रा का पार्ट है. लैंड नहीं है नीचे वाले में, इसलिए वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में, साउथ वाले. जब अल्पाइन जो है वो माउंटेन्स पे, तो वहाँ पे जो है वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साइबेरिया, इसमें कोल्डेस्ट बायोम होता है एंड ऑल्सो कवर्स 1/5 ऑफ लैंड सर्फेस. जैसे लीचन, मॉसेस, ग्रासेस, स्लेजेस, श्रब्स, कोई ट्री नहीं होता और परमा फ्रॉस्ट होता है के कारण फिर एडेप्ट करते हैं. थिक फर होता है ये सब. स्नोई ऑयल, कैरिबो, साइबेरियन लिंक्स, येलो टूना, लीचन, कॉटन प्लांट्स पाए जाते हैं. टाइगर जो है वो टुंड्रा के नीचे आता है, जैसे कनाडा, यूरेशिया, यूनाइटेड अल्पाइन में भी नीचे वाले को टाइगर कहते हैं. कॉनिफ्रेस फॉरेस्ट है, कोल्ड स्नो लोई, इसमें मॉस और लिचन पाया जाता है. इसमें भी एनिमल्स जो लिंस, वुल्वरीन, रेड थ्रोटेड लून, लिचन ग्रोइन ऑन ट्री, लार्ज नीडल, हेमलॉक. हेमलॉक एक जहरीला प्लांट होता है. टेम्परेट फॉरेस्ट जो मानसून एरिया वाले में, इसमें 4 डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं और चेंज करते हैं कलर, फॉल ऑफ द विंटर, ग्रो बैक इन द स्प्रिंग्स. जैसे कि ब्रॉडलीव ट्री हो गया, बबूल, चिनार, मैपल, बीच, श्रब, मॉसेस, यहाँ सैंडलवुड भी पाया जाता है. इसमें दो होता है, ड्राई और मॉइस्ट टेम्परेट डिस्पर्स, 120-200 सेंटीमीटर, 120-150 के बीच में ड्राई कहते हैं, और उससे ज़्यादा होता है तो वो मॉइस्ट होता है. यहाँ पे मिलता है मैपल, वाइल्ड टर्की, ब्लैक बियर, अमेरिकन बीच, ओक, ग्रे स्क्विरल, ये सब यहाँ मिलता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रेन फॉरेस्ट होता है. फिर अमेरिका, एशिया, पैसिफिक आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, दो टाइप का रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. देखो यहाँ पे पाया जाता है लस ग्रीन वाइब्रेंट कलर के प्लांट्स पाए जाते हैं, वाइन्स, पाम्स, ऑर्चाइड्स, फिर फर्न्स. फिर यहाँ पे कम्पीट करते हैं प्लांट्स सनलाइट और न्यूट्रिएंट के लिए. और कॉमन हाउस प्लांट्स कम फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट और वे ट्रॉपिकल बहुत ज़्यादा बस्लिंग है. स्नैक, चिरपिंग बर्ड्स, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सर्वाइव करने के लिए. सनलाइट पाने के लिए ये बहुत हाइट पे जाते हैं. चिंपांजी, फ्लाइंग ड्रैगन, कैपीबारा, ऑर्किड, बनाना ट्री, बैम्बू. अंटार्कटिका के अलावा हर कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड बिग ओपन स्पेसेस हैं और फाउंड ओनली बाय द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. जैसे पेरिस, ओट्स, वीट, पार्ले, कॉन्फ्रेस, ये सब मिलता है. ब्राउन हैना, जिराफ, ब्लैक टेल, सेल्विया, वीट ग्रास यहाँ पाया जाता है. डेजर्ट होता है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका. यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, लेस देन 10 इंच रेन. फिर कैक्टस, स्मॉल बूस, स्मॉट, फिर यहाँ पे हिंटन सीट है, तो इसलिए यहाँ पे अडेप्टेड होता है उसके लिए गीला. जैसे लैप्ड फेस्ट मल्चर, टॉर्नी बुल, डेविल, कैक्टस रैन, प्रिकल, सगुटो कैक्टस, हेरी ओल्ड मैन कैक्टस. एक्वाटिक सिस्टम जो प्लांट वाटर बॉडीज में मिलते हैं, बेसिस ऑफ सैलिनिटी, फ्रेश वाटर, वहाँ पे लेस देन 5 PPT होता है. जैसे कि स्टेटिक और स्टेल, जैसे लेंटेक, रनिंग लोटिक होता है, ब्रैकेस होता है जहाँ पे 5-35 PPT होता है, मैराइन होता है जिसमें 35 PPT से अबव होता है. न्यूस्टॉन जो एयर वाटर इंटरफेस, मतलब ये फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए. पेरीफाइटन हो गया जो कि अटैच रहते हैं सीम एंड स्टीम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट, इसलिए इमर्ज कर सकते हैं अबव द बॉटम. ये न्यूस्टॉन है. फिर देखो पहले तो न्यूस्टॉन है जो कि फ्लोटिंग प्लांट है. फिर पेरीफाइटन है जो कि अटैच रहता है स्टीम और लीव्स के, इसलिए ऊपर आ सकता है. फिर प्लैंकटन हो गया, जैसे कि एल्गे, डायटम, प्रोटोजोआ, जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, जिसमें जैसे कि एल्गे, फाइटोप्लांकटन एंड एनिमल, जैसे क्रूटासियंस हो गया और प्रोटोजोन्स हो गया जो कि एक जू प्लांटन है. प्लैंकटन का जो लोकोमोटरी पावर है बहुत कम होता है प्लैंकटन, ठीक है. सो देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज कंट्रोल लार्जली बाय करंट, जो करंट है वो कंट्रोल करता है. फिर नेक्टॉन है जो पावरफुल स्विमर, जो कि वाटर करंट को ओवरकम कर सकता है. एनिमल रेंज इन साइज ये नेक्टॉन है. फिर पेंथॉस है जो नीचे पाया जाता है, पहला न्यूस्टॉन, फिर पेरीफाइटन, फिर प्लैंकटन, फिर नेक्टॉन. सनलाइट और ऑक्सीजन जो है वो लिमिट करता है. देखो जितने डेप्थ तक, ज़्यादा डेप्थ तक तो सनलाइट नहीं हो जाता, जा पाता, वो डिमिनिस करता है. तो जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे फोर्टिक होता है, जहाँ पे नहीं पाया जाता वो अफोर्टिक होता है. टर्बिडिटी जो है वो एक्सटेंट ऑफ लाइट एंड पेनिट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों को लिमिट, जहाँ पे पहुँचती है वहाँ पे 1% भी है. लाइट लेवल इज 1% ऑफ दैट एट द सर्फेस, उसको कहते हैं फोर्टिक जोन. फोटोसिंथेसिस हो पाता है, फोर्टिक जोन है जहाँ पे उससे नीचे वाला पार्ट जहाँ पेनिट्रेशन नहीं हो पाता, इसको प्रोफंडल जोन भी कहा जाता है. यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेशन एक्टिविटीज होता है.
तो फोर्टिक जोन से लेके बॉटम ऑफ द लेक जो है उसको फोर्टिक कहते हैं। फ्रेश वाटर में जो कंसंट्रेशन है वो 10 पार्ट्स होता है पर मिलियन, तो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन 150 टाइम्स लोअर होता है जो एयर में ऑक्सीजन होता है उससे। ऑक्सीजन जो एंटर होता है थ्रू एयर वाटर इंटरफेस और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होता है एक्वेटिक प्लांट्स का, और डिजॉल्व ऑक्सीजन एस्केप्स करता है थ्रू एयर वाटर इंटरफेस और जो रेस्पिरेशन होता है ऑर्गेनिज्म का। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, जो लेस सॉल्यूबल इन वार्म वाटर। वार्म वाटर ऑल्सो एनहांसेस डिकम्पोजर्स एक्टिविटी, देयरफॉर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होगा रेट एट विच ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड फ्रॉम वाटर, तो ग्लोबल वार्मिंग से एक्सटेंड हो सकता है एनिमल का। नैरो टेम्परेचर टॉलरेंस लिमिट होता है तो इसलिए स्मॉल चेंज भी बहुत सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर लेक इकोलॉजी, जो लार्ज एनफ इन एरिया एंड डेप्थ उसको कहते हैं जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर रह सके। लार्जेस्ट लेक जो है वो सुपीरियर है नॉर्थ अमेरिका का, सेक बाइकाल है साइबेरिया का डीपेस्ट, चिल्का लेक है उड़ीसा का, इंडिया का लेक। एक होता है पेरिफोरल जोन जो कि होता है सेलो वाटर में, फिर ओपन वाटर जो कि बियॉन्ड लिटोरल जोन जो थोड़ा डीप होता है, फिर बेंटिक जोन होता है जो बॉटम में होता है, फिर एजिंग होता है यूट्रोफिकेशन के कारण, कल्चरल यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं इसको एग्रीकल्चर एंड ऑफ के कारण। मतलब कि मोस्टली वो ग्राउंड वाटर या बारिश से उसको पानी मिलता है, लेकिन कभी कभी वो उसका एजिंग होता है और एक्यूमुलेट हो जाता है मिनरल ऑर्गेनिक मैटर, मतलब यूट्रोफिकेशन जो होता है, फिर कल्चरल यूट्रोफिकेशन हो गया, एल्गे हो गया, एल्गे के कारण यूट्रोफिकेशन, और ह्यूमन के एक्टिविटीज़ के कारण कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जो वेटलैंड जो वहाँ पर जहाँ पे 6 मीटर से कम है वो इसको कहते हैं, नहीं तो फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाता है वो। ये ट्रांजिशन है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम का, जैसे कि मैंग्रोव लेक, फ्लड प्लेन्स, मार्सी स्वैम्पी एरिया। वहाँ पे हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि एडेप्टेड प्लांट लाइफ है, हाइड्रिक सॉइल है, मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है। इंडिया में 27,000 के आसपास वेटलैंड है, 23,000 इनलैंड है और 3,900 के आसपास कोस्टल वेटलैंड है। 18% है कंट्री का और 70% है उसका पैडी कल्टिवेशन में। नेचुरल वेटलैंड्स भी है जैसे हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड, हिमालय, फ्लड प्लेन्स ऑफ मेजर रिवर सिस्टम, लगून, कॉरल रीफ्स, ये सब भी है। वेटलैंड से कम इंपॉर्टेंट होता है लेक्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लेकिन कोई डिस्टिंक्शन नहीं है खास दोनों के बीच में। लेक्स जो है वो डीप हो सकता है, सैलो। जो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसके अनुसार अगर डेप्थ 3 मीटर से कम, कम से कम 3 मीटर होना चाहिए तब वो लेक होगा, 3 मीटर से कम है तो वेटलैंड कहा जाता है। फिर जो लेक्स है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है और नो और वेरी लिटिल एक्वेटिक वेजिटेशन होता है, जबकि वेटलैंड जो है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट में और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स का। सनलाइट दूर तक नहीं पहुंच जाता इसलिए रिच नहीं होता लेक्स, क्योंकि वो 3 मीटर से ज़्यादा होता है, कम से कम 3 मीटर होना चाहिए। इकोसिस्टम सर्विस जैसे कि फ्रेश वाटर सप्लाई, फ्लड कंट्रोल करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, फिर बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड जो है वो ख़त्म होते जा रहा है तो वाटर प्योरिफिकेशन करता है, फिर फिल्ट्रेशन करते हैं सेडिमेंट का, न्यूट्रिएंट फ्रॉम सर्फेस वाटर और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकल क्लाइमेट, ये सब रोल है। सस्टेनेबल टूरिज्म है जैसे कि राजस्थान का संभल लेक। थ्रेड जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिवेल के 70-80% है ख़त्म हो चुका है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब 2-3% रेट से वो ख़त्म होते जा रहा है ऊपर से इंडिया में 50% वेटलैंड। एक तो रीज़न है उसका कारण एक्सेसिव पॉल्यूशन जैसे इंडस्ट्रियल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और डिफॉरेस्टेशन, फिर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड फॉर एग्रीकल्चर, फिर ओवर फिशिंग, फार्मिंग, ओवर ग्रेजिंग, वेटलैंड वल्नरेबल वेक विद एक्शन एंड टाइडल बोर, ओवर ग्रेजिंग, ओवर फिशिंग, वेटलैंड का इंक्रोचमेंट, रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम बेड नियर सी मेक्स द वेटलैंड वल्नरेबल टू वेव एक्शन और टाइडल बोर, फिर डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, ये सब कारण। तो एक तो वेटलैंड को डिमार्केशन अच्छे से होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए उसके लिए, इन्फोर्समेंट होना चाहिए लॉज का, और जो वायलेटर्स है उसको पनिशमेंट करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर और कल्टिवेशन ऑफ सेल्फिस और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को ट्रीटमेंट, फिर वाटर जो है फॉर्मलैंड में उसको डिस्चार्ज से पहले ट्रीटमेंट, फिर यूटिलाइज करना चाहिए वेटलैंड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस ताकि नेचुरल रिजेनरेशन हो सके, आर्टिफिशियल रिजेनरेशन हो सके, फॉर क्विक रिकवरी एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, एक्सोटिक स्पेसिस को नहीं, जैसे कि वाटर यासिन को प्रिवेंट करना चाहिए, यूट्रोफिकेशन को एबेटमेंट करना चाहिए और लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए। कन्वेंशन हुआ था 1971 में, ये एकमात्र कन्वेंशन है जो पार्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए है और ये यूनेस्को या यूएन का पार्ट नहीं है। इसमें 2100 रामसार साइट है जिसमें कि मैक्सिमम है यूके में, रामसार साइट जो होस्टेड है बाय IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, और ये है कि सस्टेनेबल और कंजर्व करने का इंक्रोच और लॉस ऑफ वेटलैंड रोके। पहले एक साइट को डिक्लेयर करो, फिर उसको एफर्ट लगाओ,
कंजर्व करने के लिए किसी भी रामसर साइट का अगर कुछ भी चेंजेस होने वाला है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पॉल्यूशन या ह्यूमन फेस्ट के लिए तो तुरंत रामसर सेक्रेटेरिएट को इन्फॉर्म करो. ये तीन प्रोसेस है. तो ये मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड जो है रामसर रिलेटेड है, मतलब ये जो थ्रेट है उसको जाएगा मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में, उसके बाद वो डाला जाएगा रामसर एडवाइजरी मिशन, वहाँ भेजा जाएगा और वो बोलेगा कि क्या क्या मेजर लाना चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए. उसके बाद जब एक बार सही हो जाएगा तो फिर उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा. तो रामसर मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड से रिलेट करता है. रामसर कंट्री ये भी ये करता है कि अगर दो कंट्रीज के बीच में तो कॉपरेशन हो ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड और शेयर्ड के लिए. देखो 1981 में जो चिल्का लेक ओडिशा केलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, ये पहला दो है. फिर फोर एडिशनल किया 1990 में जो कि सांभर लेक और राजस्थान, लोकटक लेक हो गया मणिपुर, हरिके लेक पंजाब और वुल्लर लेक जम्मू कश्मीर. अभी प्रेजेंटली 26 रामसार साइट्स हैं. देखो ये सब याद कर लो, अष्टमुडी है केरला में, भितरनिका ओडिशा में, भोज मध्य प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, चिल्का ओडिशा, डिपोरबिल असम, ईस्ट कलकत्ता वेस्टलैंड वेस्ट बंगाल, हरिके वेटलैंड पंजाब, भुकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, गंजली पंजाब, केलादेव राजस्थान, कोलेरू आंध्र प्रदेश, लोकटक मणिपुर, नाला सरोवर गुजरात, पॉइंट कलीमेरी तमिलनाडु, पोंग डैम हिमाचल प्रदेश, रेणुका हिमाचल प्रदेश, रोपक पंजाब, रुद्रसागर त्रिपुरा, सांभर राजस्थान, सस्थम कोटा केरला, सुरिनसार मानसार जम्मू कश्मीर, जो मोरीरी जम्मू कश्मीर, अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश, वेम्बना लेक केरला, कुल्लू वेटलैंड जम्मू कश्मीर. लिटरल है क्योंकि ये नियर द सी सर्फेस होता है, मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, दैट ग्रो इन शेल्टर्ड लो लाइंग कोस्ट एस्चुरी. फिर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं. बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम और प्रोटेक्ट करते हैं सोलाइन को इस साइक्लोन और सुनामी के बीच में, सॉइल को पकड़ के रख, ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह काम करती है. फिशेस जो है कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट फिशेस इसमें ब्रीड करती है. इकोटोन का एरिया है ये सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज है इसलिए इसको हेलोफाइट्स भी कहते हैं. मतलब सलाइन कंडीशन और जो सी वाटर को हैंडल कर सकता है ये, वो इस तरह होती है कि वो सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं और साथ में बहुत सारे पानी के साथ छोड़ते हैं उसको. उसका लिप्स जो है थिक होता है इसलिए उस सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, ब्लॉक करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एट द रूट इटसेल्फ, और मतलब कि सॉल्ट रूट पे ही उसको ब्लॉक करते हैं. और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, रूट सिस्टम होता है कोप करने के लिए, और एडेप्ट होता है लो ऑक्सीजन कंडीशन मतलब एनोक्सिक कंडीशन के लिए ऑफ वाटर लॉग मड. फिर इसमें ब्लाइंड रूप होता है जिसको निमेट्रोप्स कहते हैं जो कि रेस्पिरेशन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए इन एनारोबिक सॉइल कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉग हो जाता है. सॉल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स रहते हैं जो कि लिब्स के ऊपर होता है, वो उसको झाड़ देता है. सैक्रिफाइजल लिब्स भी होते हैं इसमें, अगर सॉल्ट बहुत ज़्यादा अगर जमा हो गया तो वो खुद को गिरा देती है लिब्स, रूट छान देता है. ये है निमेट्रोप्स, मतलब रूट से ऊपर है और ऑक्सीजन खा रहा है. ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है 25 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री साउथ तक. रिक्वायर्स हायर सोलर रेडिएशन टू फिल्टर सेलिन वाटर. इसलिए देखो यहाँ पे वेव आता है तो ये पेड़ जो है खुद को बचाता है. जैसे रायजोपुरा जो है इसके पास प्रॉप रूट होता है, उसी तरह विसेनिया जो है उसके पास वर्टिकल निमाट्रॉप्स होता है जो एयर रूट कहते हैं उसको, और कुछ है जो सिल्ट रूट जैसे कि ये है वो यूज़ करता है सिल्ट रूट. और देखो ये है प्रॉप रूट, प्रॉप रूट में एडिशनल रूट होता है. इसमें वीवी पेरी होता है, मतलब कि ना जो सीड है उसमें पहले से ही रूट आ गया ताकि वो बह नहीं जाए, पकड़ने का ताकत हो उसमें, जहाँ भी जमीन मिलेगा वो खुद को पकड़ लेगा. वो मैंग्रोव जो है सुंदरबन का सबसे लार्जेस्ट है. यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल पाया जाता है. भितरनिका जो रिसा वो सेकेंड लार्जेस्ट है, ये इंटरटाइडल जोन में पाया जाता है. फिर मैंग्रोव हो गया रत्नागिरी मैंग्रोव, गोवा मैंग्रोव, कावेरी कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव, फिर महानदी मैंग्रोव, सुंदरबन मैंग्रोव और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मैंग्रोव. कन्वर्सन ऑफ एरिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, फ्यूल फॉर्डर के लिए यूज़ करने के लिए, फिर यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, इसके चक्कर में ये खत्म होते जा रहा है. स्ट्रीम फार्मिंग हो गया जैसे. इंपॉर्टेंस है कि इसमें निमाट्रोप रूट होता है तो वो इम्पीड करता है वाटर फ्लो, तो डिपोजिशन जो है सेडिमेंट का वो रोकता है, और इसलिए कोस्टल सोर को स्टेबलाइज करता है. ये ब्रीडिंग ग्राउंड है फिश का, मॉडरेट करता है जो मॉनसून का टाइडल फ्लड्स आता है तो कोस्टल लोलैंड में फ्लड नहीं होता. फिर सॉइल इरोजन खत्म करता है, प्रोटेक्ट करता है सुनामी हुरिकेन फ्लड से, नेचुरल जो रिसाइकलिंग एंड न्यूट्रिएंट का उसमें हेल्प करता है, और बहुत सारे फ्लोरा वी फौना वाइल्ड लाइफ
इसमें पाया जाता है, साथ में जो लोकल के लिए वुड फायर वुड मेडिसिन देता है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है लोकल को। जो कॉरल रीफ है अब नेक्स्ट, ये कॉरल पॉलिप से होता है, लिटिल पॉलिप्स, जो कि बहुत ही डाइवर्स इकोसिस्टम होता है। ये है पॉलिप और इसके साथ फिर जू सेंट्रल मिलके फिर ये मर जाता है, उसके बाद फिर उसके स्केलेटन में फिर नया एक पॉलिप आता है, तो इसका कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर बनता रहता है। इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन, जो सेल्स है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ओवर टाइम ये कॉरल रीफ बन जाते हैं। मतलब कि एनाटॉमी जो एच पॉलिप का अलग अलग होता है, इसी कारण अलग अलग शेप का रीफ होता है। इसका टेम्परेचर जो है कम से कम 20 डिग्री होना चाहिए और लोकेशन जो इनका 30 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में, जो टेम्परेचर जो है ये फेवर करता है कॉरल ग्रोथ। ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ओशन बॉडीज, फिर ओशनिक वाटर में सेडिमेंटेशन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि सनलाइट जो है वो उस तक पहुँच सके, और लो सैलिनिटी होना चाहिए। कॉरल ब्लीचिंग है जो वो एल्गे है जो कॉरल को हेल्प करता है, वो अलग हो जाता है इससे, उसका इससे ना वो वाइट हो जाता है जैसे ही छोड़ता है। ये जो एल्गे है वो खाना बनाता है, जिसलिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए वो वल्नरेबल हो जाता है डिजीज के लिए, और जिसके कारण वो मर सकता है। मैंने कॉरल ब्लीच उस समय नहीं मरता, दे कैन रिकवर इफ द वाटर टेम्परेचर ड्रॉप्स, और एल्गे अगर उसको वापस रिकॉलोनाइज कर सके। लेकिन रीज़न क्या है कि एबनॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे वार्मर सी टेम्परेचर, अनयूजुअल वार्म मोशन जैसे कि मैन मेड क्लाइमेट या नेचुरल एल नीनो, ये सबसे जो बिगेस्ट कॉरल रीफ है इसमें 2900 इंडिविजुअल रीफ्स है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1981 का। ये लोकेटेड है कॉरल रीफ में ऑस्ट्रेलिया में, और 3,48,000 स्क्वायर किलोमीटर है। वर्ल्ड बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि विजिबल आउटर स्पेस से। साइंटिस्ट हैव रिकॉर्ड वर्स्ट मास कॉरल ब्लीचिंग ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ। बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मतलब लिविंग डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, मतलब जितना अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, तो उसको डाइवर्सिटी मतलब कि वैरायटी ऑफ लाइफ जो अर्थ पे है, मतलब जैसे रोज का अलग कलर साइज हो गया, जीन्स हो गया, विद सेम स्पीसीज सो वेरी, मतलब एक एरिया में कितना स्पीसीज हुआ, कितना प्लांट एनिमल बर्ड्स हुआ, तो उसको स्पीसीज कहते हैं। फिर इकोसिस्टम हो गया कि डाइवर्सिटी इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम जैसे फिजिकल इकोलॉजिकल फूड वेव न्यूट्रिएंट साइकिल, फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट, एक्वेटिक डेजर्ट मैंग्रोव, वर्टिब्रेट डाइवर्सिटी वॉज जिसमें फिश सबसे ज़्यादा होता है, फिर बर्ड रिप्टाइल, फिर एम्फीबियंस, उसके बाद मैमल सबसे कम। स्पेसिस रिचनेस हुआ कि कितना स्पेसिस रिप्रेजेंट करती है इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, स्पेसिस रिचनेस इज काउंट ऑफ स्पेसिस, मतलब ये देखता है कि कितना इक्वल है कम्युनिटी, मतलब कि डाइवर्सिटी कितना इंडेक्स है, कितना क्लोज इन नंबर ईच स्पेसिस एक दूसरे से, मतलब कि अगर सब 40 नहीं में 1,000 चीज है तो ये कोई इवन नहीं है, तो ये एक एक्सटिंक्ट हो सकता है। ये डिसाइड करता है कि कितना स्टेबल है। इंडिया जो एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे 23.39% जो है फॉरेस्ट में, और 2.4% है लैंड एरिया वर्ल्ड का, और 7% है रिकॉर्डेड स्पीसीज वर्ल्ड का, और 18% है ह्यूमन पॉपुलेशन का। 7th है इंडिया का रैंक इन मैमल्स, 9th है इन बर्ड्स, और 5th है इन रिप्टाइल्स। इन टर्म्स ऑफ एपिडर्मिस और वेजिटेरियन इंडिया का पोजिशन 10th है इन बर्ड्स विद 69 स्पीसीज, 5th है इन रिप्टाइल्स विद 156 स्पीसीज, एंड 7th इन एम्फीबियन विद 110 स्पीसीज। मेगा डाइवर्स कंट्री जो है वो टर्म है रिफर करने के लिए वर्ल्ड टॉप बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज और बहुत ज़्यादा हाई एंडेमिज्म होता है। 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है, इंडिया हो गया, चाइना, कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, पेरू, कोलम्बिया, मेडागास्कर, मैक्सिको, फिलीपींस, वेनेजुएला, पेरू, पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया, इक्वेडोर एंड USA। कानकुन इनिशिएटिव जो है वो एग्रीड टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और नॉलेज शेयरिंग। ये ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड डाइवर्स कंट्री जो कि कानकुन है मैक्सिको में, इसमें ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, कोस्टा रिका, पेरू, इंडोनेशिया, फिलिपीन। देखो जो इंडिया में एंडेमिज्म है जो कि सिर्फ एक एरिया में पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते। जो 50% लिजार्ड्स है वो एंडेमिक है टू इंडिया, और वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एंडेमिज्म है, और सेंटर ऑफ ओरिजिन मतलब 5,000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का, 166 क्रॉपिंग प्लांट, और 320 वाइल्ड रिलेटिव ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो मेराइन डाइवर्सिटी की 7,500 किलोमीटर है, तो इसमें मैंग्रोव भी है, एस्टुअरीज भी है, कॉरल रीफ, ब्लैक वाटर रिच डाइवर्सिटी है। 304 स्पीसीज है कॉरल का, जो कि 50-80% जो बायोडाइवर्सिटी है वो रेन फॉरेस्ट में, 125,000 जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में फ्लावरिंग प्लांट्स का है। डेजर्ट्स में सबसे कम मिनिमम बायोडाइवर्सिटी, और हर दिन नए नए स्पीसीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इंक्रीज कर रहे हैं। अभी तक 1.5 मिलियन स्पीसीज खोजा गया है, जो कि सिर्फ 15% है एक्चुअल नंबर की। बर्ड्स 4.5%, रिप्टाइल 45.8%, फिर
amphibian 55.8%, plant 33%, mammal 12%. Community diversity, alpha biodiversity, beta or gamma diversity. तो विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी जो कहते हैं उसको अल्फा डाइवर्सिटी, बेटा बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, गामा बायोडाइवर्सिटी टोटल लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल एरिया. कम्युनिटी मतलब कि एक जगह का है बॉक्स बफेलो, एक कम्युनिटी दूसरी जगह का है गाय, फिर भैंस और कोई बर्ड भी है, तो वो बेटा डाइवर्सिटी मतलब दोनों के बीच में बेटा जो डाइवर्सिटी बिटवीन वो. एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिस रिचनेस और एंडेमिज्म है. नॉर्मन मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था 25 हॉटस्पॉट्स हैं जिसमें से 2 इंडियन है, लेटर 9 वे एडेड और टोटल जो वो 34 हो गया. 40% टेरेस्ट्रियल है, 25 वर्टिब्रेट्स है एंडेमिक फाउंड इन दिस हॉटस्पॉट. 40% टेरेस्ट्रियल और 25% वर्टिब्रेट्स है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सेकेंड हाइस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पेसिस है मेडिटेरियन में. दिस हॉटस्पॉट्स आर थ्रेटन बाई ह्यूमन एक्टिविटीज. टोटल 3 हो गया है इंडिया में, मतलब सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल, उसके बाद सेकंड नंबर पे मेडिटेरियन में. इंडो बर्मा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय है इंडिया में. फिर एंडेमिज्म जो वो कम से कम 1500 स्पीसीज का वास्कुलर प्लांट्स का, या फिर 0.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एज एंडेमिक होना चाहिए. लॉस हैबिटेट होना चाहिए और 70% तक लॉस हैबिटेट होना चाहिए. ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स और इंडो बर्मा इंडिया में. देखो ईस्टर्न हिमालय जो सिक्किम के आसपास है, इसमें 35,000 रिकॉर्डेड फ्लोरा है, 4,250 स्पीसीज हैं. और सप्रिया हिमालय जो यहाँ पे, जो कि पैरासाइटिक एग्नियोस्पर्म है जो वो मिलता है. 4 स्टेट में ये वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु. 40% एंडेमिक प्लांट, 62% एम्फीबियन. फिर वेस्ट हिमालय हिल्स, साइलेंट वैली, न्यू अम्बलम. इंडो बर्मा हो गया मणिपुर, मिजोरम. फिर थ्रेट्स हैं एंथ्रोपोजेनिक, जैसे लॉस ऑफ हैबिटेट, पोचिंग एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट. फिर एक्सोटिक वैराइटीज, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग. नेचुरल कॉजेज है जैसे नैरो ज्योग्राफिकल एरिया, फिर लो पॉपुलेशन, लो ब्रीडिंग रेट, नेचुरल डिजास्टर, को एक्सटिंक्शन. इनवेसिव स्पीसीज जैसे नाइल पर्च है, वो लेक विक्टोरिया में मिला जाता है, गॉट एक्सटिंक्ट बाय नाइल पर्च. तो जो चिचलिट था एक लोकल फेस, वो खत्म हो गया. उससे तक कैरट ग्रास है, फिर वाटर हियासिंथ है, टेरा ऑफ बंगाल जिसे कहते हैं. को एक्सटिंक्शन मतलब एक के साथ दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाए. एक्सटिंक्ट है, थ्रेटेंड है, उसके बाद लिस्ट कंसर्न. एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड और लिस्ट. इसमें कोई एक्सटेंट हुआ कि जिसमें कोई डाउट नहीं, वो लास्ट इंडिविजुअल उसका खत्म हो गया है. नो रिकॉर्ड हुआ 50 ईयर्स, जैसे इंडियन चीता. एक्सटेंट इन द वाइल्ड मतलब कि स्ट्राइव इन द कैपिटल, जैसे कि मलबेरी सिल्क मॉथ है. फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है, 90% रिडक्शन हुआ ओवर द लास्ट 10 ईयर्स और नंबर जो 50 बचे हैं, जैसे कि एसेटिक लाइन है. फिर इंडेंजर्ड है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है बट इन डेंजर ऑफ इंस्टिंक्शन है, जैसे कि टाइगर हो गया. फिर हो गया वल्नरेबल. वल्नरेबल वो होगा जो कि इंडेंजर्ड है बट अनलाइकली टू, अभी इंडेंजर्ड नहीं है लेकिन हो सकता है, जैसे कि कैन क्लैम. फिर नियर थ्रेटन्ड हो गया, डज नॉट क्वालिफाई फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल नाउ. निकोबार पिजन जैसे हुआ नियर थ्रेटन्ड. उसके बाद एक होता लिस्ट कंसर्न, फिर डाटा डेफिशिएंट और नॉट इवेलुएटेड.